नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य का जो यह एक हवन है यह निरंतर जारी है, बेहतर स्वास्थ्य का जो ये जंग है वह निरंतर जारी है, और बेहतर स्वास्थ्य का जो अभियान है वह निरंतर जारी है। इसी श्रृंखला में साथियों, आज हम लाए हैं वो समस्या जो आजकल बच्चों में काफ़ी पाई जा रही है। तमाम हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं जो इस मर्च की दवा हमसे पूछते हैं। हम उनको यही कहते हैं कि आप सिम्टम के हिसाब से स्टडी करिए। तो आज हम आपको साथियों बताते हैं एडिनोइड्स को ठीक करने की बिना सर्जरी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एडिनोइड्स होते क्या हैं। एडिनोइड्स साथियों जो अपनी ये नोज होती है उसका बिल्कुल टर्मिनल पार्ट में, और थ्रोट का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर लिम्फेटिक ग्लैंड होता है, इसको नेसोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। यह साथियों बच्चों में जैसे हम लोग बॉर्न होते हैं हमें एडिनोइड्स ग्रो होने लगते हैं। यह 6-7 साल तक की उम्र तक ग्रो करते हैं, उसके बाद यह कांस्टेंट हो जाते हैं और 17-18 साल तक 20-22 साल तक फिर यह डिसअपियर भी खत्म भी हो जाते हैं कि इनका यूज़ ख़त्म हो चुका होता है। बच्चों में होता क्या है, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, उनको इम्यूनिटी चाहिए होती तो कुदरत ने इस इम्यूनिटी को हम लोगों के पास भेज दिया है। ये जो टॉन्सिल नासोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं या एडिनोइड्स होते हैं यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम लोगों को बचपन में बचाते हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है, थ्रोट का इन्फेक्शन, नोज का इन्फेक्शन, तो यह टॉन्सिल यह जो एडिनोइड्स होते हैं या स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं और उन पैथोजेन से लड़के हमारे शरीर को उससे बचाए रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बार बार जो है वह इन्फेक्शन्स होने लगते हैं तो यह अपने ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ पाते हैं। तो यही एडिनोइड्स ग्लैंड्स हैं, यह लिम्फैटिक टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बचपन में, और बड़े होते होते ठीक हो जाता है। जान लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स के। आपके बच्चे के एडिनोइड्स उस स्थिति में हो सकते हैं कि अगर वह महसूस करें, आप महसूस करें कि उसकी नाक बंद रहती है, उसका गला सूखता है, उसके थ्रोट में लगातार इन्फेक्शन बना रहता है और कांटे ऐसी चूहन बनी रहती है और कंजेशन रहता है। अगर यह सिम्टम है तो आप समझ लें कि शायद एडिनोइड्स पड़े हुए हैं। कुशल चिकित्सक एक एक्सरे करा के आपको बता देगा कि आपको एडिनोइड्स हैं कि नहीं। यह यूं नोज से देखने से, अंदर नॉस्ट्रिल से देखने से नहीं दिखते हैं क्योंकि काफी अंदर होते हैं। जान लेते हैं इसके कारण साथियों। कारण जैसे हमने बताया, जब बार बार रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो आपके एडिनोइड्स एनलार्ज परमानेंटली हो जाते हैं। नॉर्मली जब इन्फेक्शन जब भी होता है तब हमारे एडिनोइड्स एनलार्ज होते हैं, लेकिन जब लगातार इन्फेक्शन होता है तो जो इन्फ्लेम हुए एडिनोइड्स होते हैं या वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाते और यह क्रॉनिक होके उसी तरह एनलार्ज बने रहते हैं। यही एनलार्ज एडिनोइड्स की कंडीशन होती है जिसके पीछे हम लोग परेशान होते हैं। हम आपको बताएंगे साथियों इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके बच्चे को सर्जरी से बचा के आपके टॉन्सिल्स को, आपके इसको नेसोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स को ठीक कर देगी। दवाएं बताने से पहले साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो आपके बच्चे को तो एक बार कुशल चिकित्सक की सलाह लें, उससे रेलिवेंट अपने हिसाब से सिम्टम की दवा प्रिस्क्राइब कराएं, उसके बाद ही दवा लें। यूँ हमारा वीडियो देख के या कोई भी वीडियो देखकर दवा ना लें। यह आपकी जानकारी और होम्योपैथी को आपके करीब लाने के लिए प्रयास है। बताते हैं साथियों, आपको जानकारी देते हैं होम्योपैथी में एडिनोइड्स को, एनलार्ज एडिनोइड्स को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, होम्योपैथी में वो दवा जिससे एडिनोइड्स का, एनलार्ज एडिनोइड्स का इलाज शुरू करना चाहिए वह है बैसिलिनम। आप बैसिलिनम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर 15 दिन में एक बार मरीज को दे दें, और इसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कोई दवा ना दें। आप देखेंगे कि इस बैसिलिनम दवा से 2 दिन के अंदर आपके मरीज को, आपके बच्चे को बहुत आराम मिलने लगा और उसका एडिनोइड्स ठीक होने लगा। साथियों, नंबर एक दवा एनलार्ज एडिनोइड्स की होम्योपैथी में है बराइटा कार्बोनिकम।
ब्राइटा कार्बोनिकम हर उस बच्चे के लिए बहुत इफेक्टिव दवा है जिसको जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, जिसका डेवलपमेंट बहुत फिजिकल एंड मेंटल स्लो होता है, वो चलना देर में सीखता है और कमज़ोर बना रहता है। अगर किसी बच्चे में यह स्थिति है और उसके एडिनोइड्स हैं लास्ट, तो ब्राइटा कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना एक ऐसा प्रयास है जो आपको एडिनोइड्स को ठीक करने में आपको सफल बना देगा और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे और बच्चे को भी आप बेहतर स्थिति में पाएंगे, उसकी सर्जरी बच जाएगी। तो याद रखें, बच्चों को एनलार्ज एडिनोइड्स जिनके बार बार सर्दी हो जाती है, आसानी से सर्दी हो जाती है, उनको ठीक करने की सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा ब्राइटा कार्बोनिकम है। फिर साथियों, एक सिम्टम आता है कि आपके बच्चे के एडिनोइड्स हों उसके सर से बहुत पसीना आता हो। अगर यह सिम्टम है कि बच्चा थोड़ा फेयर फैट एंड फ्लैबी है, थोड़ा सा मोटा थुलथुल है, उसके रात में सोने पे सर से बहुत पसीना आता है, दूर तक तकिया गीला कर देता है और उसके एनलार्ज एडिनोइड्स हैं, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्बोनिकम है। आप कैल्केरिया कार्बोनिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि जो एडिनोइड ग्लैंड की हाइपरट्रोफी है यह ठीक हो गई और आपका बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर साथियों, एक स्थिति आती है एनलार्ज एडिनोइड्स में कि आपके एडिनोइड्स एनलार्ज हुए और आपके ईयर इन्फेक्शन हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम है, क्योंकि एडिनोइड्स बढ़ते हैं तो यूस्टेचियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं और जब यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक होता है तो कान से बदबूदार ऑफेंसिव डिस्चार्जेस आते हैं और कान में दर्द होता है। अगर यह स्थिति आपके बच्चों में या किसी में है तो उनके लिए बहुत कारगर दवा एग्राफिस न्यूटेंस है। आप एग्राफिस न्यूटेंस की 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार बच्चे को दे दीजिए, आप देखेंगे कि उसका एडिनोइड्स ख़त्म हो गया और उसके कान का जो इन्फेक्शन है बदबूदार पस आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है, सुनाई नहीं ठीक से पड़ रहा है, यह सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि एडिनोइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर यह स्थिति हो कि एडिनोइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस। आप हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस का 20 बूंद 20 ड्रॉप्स 2 टाइम बच्चे के, 10 ड्रॉप 4 टाइम्स करके बच्चे को देना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि जो ग्रॉसली एनलार्ज एडिनोइड है वह भी अपने सामान्य स्थिति की ओर आने लगा। फिर साथियों, एक स्थिति आती है एडिनोइड्स में, एनलार्ज एडिनोइड्स में, कि बच्चे का एडिनोइड्स बढ़ा है, उसकी नाक बंद हो गई और वह मुंह से सांस ले रहा है। अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की, सिम्टम को ठीक करने की और होम्योपैथी में एनलार्ज एडिनोइड्स को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, या यूँ कहें दो दवाएं हैं। पहली दवा है सेम्बुकस नाइग्रा और दूसरी दवा है अमोनियम कार्ब। सेम्बुकस नाइग्रा 30 साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर है कि जब रात में बच्चे की नाक बिल्कुल बंद हो और वो मुंह से सांस लेता हो, तो सेम्बुकस नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप बच्चे को दे दें, आप देखेंगे कि उसकी नाक भी खुल गई रात में जो बंद रहती, और उसका एनलार्ज एडिनोइड्स भी ठीक हो गया। और अमोनियम कार्ब उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब बच्चे का नाक बंद रहती हो, जब वो नाक को कुरेदता हो तो उससे ब्लड आता हो, यानी एपिटैक्सिस हो, नाक से अगर ब्लड आता है उस स्थिति में एनलार्ज एडिनोइड्स को ठीक करने की बहुत कारगर दवा अमोनियम कार्ब 30 है। इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, आपके नाक से ब्लीडिंग भी रुक जाएगी और एनलार्ज एडिनोइड्स भी ठीक हो जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि बच्चे का एडिनोइड्स बहुत बड़ा हो और मेंटली बहुत वीक हो, अगर यह स्थिति और दुबला पतला हो, अगर यह स्थिति है बच्चे में कि बच्चा लीन थिन है, उसका एनलार्ज एडिनोइड्स है और उसको जो है उसका बहुत ज़्यादा एडिनोइड्स बढ़ा हुआ है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ब्राइटा आयोडेटम है। आप ब्राइटा आयोडेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आपके बच्चे की सेहत भी बन जाएगी और उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा और उसके एनलार्ज एडिनोइड्स भी ठीक हो जाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस में कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चे का टॉन्सिल्स भी एनलार्ज हो और एडिनोइड्स भी एनलार्ज हो, तो अगर यह स्थिति हो कि जब दोनों चीज़ें आपस में एनलार्ज हों, यानी कि टॉन्सिल्स भी आपका एनलार्ज है और एडिनोइड भी एनलार्ज है, तो उसको ठीक करने की, यानी दोनों टॉन्सिल और एडिनोइड दोनों को कलेक्टिवली सही करने की एक सिंगल रेमेडी है और दवा का नाम है ट्यूबरक्लिनम।
आप ट्यूबरकुलिनम 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वंस इन अ लाइफ टाइम ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका बार बार का रिकरेंट बच्चे का इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो गई, उसको बुखार आना ख़त्म हो गया और उसका एडनॉइड्स और टॉन्सिलाइटिस दोनों ठीक होके आपके बच्चे को स्वस्थ कर दिया। तो ट्यूबरकुलिनम एक बार आप दे सकते हैं। इसका एक नियम है साथियों ट्यूबरकुलिनम का कि जीवन में केवल ये आप 2 बार दे सकते हैं, तो ऐसे ना दीजिएगा दवा, किसी कुशल चिकित्सक से पूछ कर ही दवा लीजिएगा। फिर एक साथियों होम्योपैथी में स्थिति आती है या लार्ज एडनॉइड्स में स्थिति आती है होम्योपैथी, तो उसका निदान है कि बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होने लगी यानी खर्राटे आने लगे, एनलार्ज एडनॉइड्स हो गए और बच्चे को खर्राटे आ रहे हैं। तो अगर यह स्थिति है कि आपके एनलार्ज एडनॉइड्स हैं और खर्राटे भी आ रहे हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ओपियम। आप ओपियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दे सकते हैं कि जब बच्चे को खर्राटे आ रहे हों, रात में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हों और आसपास लोगों को सोने ना दे रहे हों। तो ओपियम 30 इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस, यह दवा आपको ठीक करके, आपके एडनॉइड्स को ठीक करके आपको कम्फर्ट में ले आएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके एनलार्ज एडनॉइड्स हो गए और आपका कान बहने लगा, आपका मिडिल ईयर में अंदर की तरफ इन्फेक्शन होने लगा, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। यूँ कहें कि 2 दवाएं हैं जो आपकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देंगी। पहली दवा है मर्क सोल्युबिलिस और दूसरी दवा है काली म्यूरेटिकम। मर्क सोल्युबिलिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस और साथ में कान से पस्टुलर डिस्चार्ज के लिए इफेक्टिव है, जबकि आपका यह डिस्चार्ज येलो कलर का हो, येलो थिक डिस्चार्ज अगर हो रहा है और यह पेनफुल है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथिक दवा मर्क सोल्युबिलिस है। इसका 30 पावर 2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और दूसरी स्थिति आती है साथियों कि आपके कान से सफ़ेद डिस्चार्ज आ रहा हो, अगर आपके ईयर से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है थिक, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा काली म्यूरेटिकम है। इसको 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो कान से और आपको सुनने में तकलीफ हो रही हो, पार्शियल हियरिंग लॉस हो गया हो, उस स्थिति में काली म्यूर बहुत अच्छी दवा है। काली म्यूर का रेड लाइन सिम्टम थ्रोट इन्फेक्शन भी है, तो थ्रोट इन्फेक्शन एनलार्ज एडेनॉइड्स को काली म्यूर के इंडिकेशन के केस में पॉइंट आउट करता है। एक स्थिति आती है साथियों, आप यह वीडियो उस स्थिति में देख रहे हो कि आप बच्चों का एडनॉइड्स ऑपरेट करा चुके हैं, निकलवा चुके हैं और अब आप एडनॉइड्स के बाद के कॉम्प्लिकेशन से परेशान हैं क्योंकि एडनॉइड्स का ग्लैंड निकल गया है, बच्चा के बार बार तकलीफ हो रही है। तो अगर यह स्थिति आप अपने बच्चे में देखते हैं तो इसको भी मैनेज करने की बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है काली सल्फ्यूरिकम। काली सल्फ्यूरिकम 30 पावर में 2 बूंद आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप एडनॉइड्स को बच्चे के रिमूव करा चुके हों लेकिन उसको येलो डिस्चार्जेस के साथ परसिस्टेंट इन्फेक्शन बना रहता हो, उस स्थिति में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस काली सल्फ्यूरिकम है। इसको 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने को सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों की कोई दवा ना काम कर रही हो, इतनी सारी आपको दवाएँ बताएं, कोई दवा का ना काम कर रही हो, आपके कान से बहुत बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा हो, आपके नाक से बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा हो और आप परेशान हो, अगर यह स्थिति है किसी के उसका एनलार्ज एडेनॉइड्स है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथिक दवा है सोराइनम। आप सोराइनम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे का एडेनॉइड हमेशा के लिए ठीक हो गया, उसका जो बदबूदार ऑफेंसिव डिस्चार्ज नाक से आ रहा है, कान से आ रहा है, जो किसी भी तरह से रुक नहीं रहा है, वह इस दवा की सिंगल खुराक से रुक जाएगा। ये साथियों को दवाएं थी एनलार्ज एडनॉइड्स के विषय में। मेरा प्रयास है कि आपको इतनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आपके बच्चे को जब ये इन्फेक्शन हो तो आप ये अपनी राय बना सकें कि हमारा बच्चा बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। और होम्योपैथी में वास्तव में बहुत अच्छी दवाएं हैं। जैसे हमने कहा, तमाम डॉक्टर्स हमें फ़ोन आते हैं, हमसे दवा पूछते हैं, हम उनको दवा बताते हैं, हम तो पब्लिक डोमेन में आपको बता रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं और वो फ़ोन करते हैं तो हम उनको भी बताते हैं और कहते हैं कि होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा स्टडी हो सके करें, क्योंकि यह बहुत अच्छी पैथी है, एक दिन के बच्चे के लिए भी सेफ है, इसलिए मानवता की खातिर सब लोग इसमें अपना इस हवन में अपनी आहुति डालें और चीज़ को आगे बढ़ाएं।
मैं फिर साथियों बता दूं कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए थी। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा का अपना साइड इफेक्ट होता है। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो यह आपका चैनल है, आप इस पर अपनी क्वेरी को नोटिफिकेशन पैनल में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके अगर रेलिवेंट सवाल है तो उस रेलिवेंट सवाल का संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से किया जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो अपने इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या करा हो तो औरों से कराइएगा, चैनल को शेयर करिएगा तमाम प्लेटफॉर्म पे और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके यूं ही सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।